हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक हैं और खैर खैरियत से हैं। आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोगों से अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि हम लोगों की मैरिज जो है वो लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है। तो आज हम आपको बताएंगे कि हमारी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है और हम लोग कैसे मिले। बहुत सारे लोग कहते हैं आप लोग कैसे मिले, आप लोग कैसे जानते हैं, आप लोग कजन्स हो, आप लोग क्या। तो आज लेकिन इस स्टोरी में थोड़ा सा ट्विस्ट तो होना चाहिए, राइट? एकदम से तो नहीं बतानी चाहिए या एकदम से, तो ये तो अब आप लोग गेस करेंगे। तो मैंने डिसाइड किया कि हम लोग आपको, पहले तो मैं 5 स्टोरीज कर रही थी बट जैन ने कहा यार 5 बहुत ज्यादा हो जाएंगी, आप 4 स्टोरीज कर लें या 3। थैंक्स मी लेटर। या आप लोग जैन को बाद में थैंक यू बोल सकते हैं। तो मैं आपको 3 स्टोरीज बताऊंगी और मैं आपको तीनों स्टोरीज इस तरह से बताऊंगी कि आपको लगेगा कि यार तीनों रियल है। आपको लगेगा कि तीनों की तीनों स्टोरीज है, मतलब ये वाली रियल हो सकती है, सेकंड वाली का आपको लगेगा कि नहीं 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 ये वाली रियल हो सकती है, और थर्ड वाली का लगेगा हो सकता है कि तीनों अनरियल हो। नो, एक पक्की, मतलब एक तो पक्की बात बतानी पड़ेगी ना। तो एक में आपको, मतलब इन तीनों में से एक बिल्कुल रियल होगी कि हम लोग हाउ वी मेट, फिर मैं आपको सेकंड में रिवील करूंगी और हमारी जो वेडिंग की, जिस तरह से जो हमारी सेरेमनी थी और जो भी था उसके भी थोड़े थोड़े से ग्लिम्स आपके साथ शेयर करूंगी, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। स्टोरी सुनाने के लिए मैं आपको बाहर जा रही हूँ और बाहर जाके मैं आपको तीनों स्टोरी सुनाती हूँ। वन स्टोरी हम आपको बताएंगे यहाँ पर। तो सबसे पहली स्टोरी ये है कि हम लोग मिले एक शादी में, ठीक है? मैं वहां पर खाना डाल रही थी, वो जब मैं आपके पास आया हूँ और आके मुझे कहते हैं, जैन मेरे पास आया है और अच्छा जैन मेरे पास आया कि उनसे कहते हैं कि आपका नाम क्या है ना। सो आई वाज लाइक मेरा नाम रिदा है और मैंने डायरेक्टली आपको ये बोल दिया था कि आप बहुत प्यारी हैं, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, अपना फोन नंबर तो दें। ओह हाँ, जैन ने मुझे डायरेक्टली ये बोला, फोन नंबर का तो आपने मुझे नहीं बोला था, इन्होंने कहा कि आप अच्छा एक्स्ट्रा हो गया क्या ये कुछ एक्स्ट्रा हो गया। जैन ने मुझे कहा कि आप माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही है ना। मैंने मतलब दिल में सोचा यार क्या अजीब सा लड़का है, मतलब पहली दफा शादी में मिले हैं और मुझे कह रहा है कि आप अच्छी लग रही हैं। हाँ, तो मुझे लगा बड़ा ना फ्लर्टी टाइप के लड़के हैं। तो खैर उसके बाद फिर जो है ना मैं चुप करके अपना मतलब खाना खाने लगी। उसके बाद जी मैं खाना खा रही थी और हम लोग डिनर कर रहे थे मतलब शादी में, और जैन साहब आए मेरे पास और उसके बाद मतलब सेकेंड टाइम ना मुझे कहते हैं आप व्हाट्सएप तो यूज़ करती होंगी, नंबर तो उन्होंने डायरेक्ट नहीं मांगा, तो मतलब वो नंबर ही मांगने वाला सीन था ना। तो लाइक मतलब यार क्या हो गया इनको। फिर मैंने कहा कि जी मैं करती हूँ, तो सो कहते हैं नहीं वैसे फेसबुक का आईडी है आपका। तो जब इन्होंने फेसबुक का पूछा तो मैंने कहा कि हाँ मैं फेसबुक यूज़ करती हूँ। बतानी, यू टोल्ड मी रॉन्ग आईडी, राइट? या मैंने इनको गलत आईडी बताई और बट फिर भी इन्होंने मुझे फाइन कर लिया। इन्होंने मुझे फाइन किया, इन्होंने मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड की और मुझे कहते हैं आप मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। मुझे नहीं पता चाहे किसकी, मतलब कौन शादी में जिनके हम गए थे, मुझे नहीं पता ये वहाँ पे क्या करने आए हुए हैं और कौन है। तो उसके बाद फिर मुझे कहते हैं आप मुझे बहुत अच्छी लगी हैं, और फिर मैंने मतलब मैंने सोचा, मैंने कहा कि, और फिर मुझे इन्होंने कहा कि आपने मुझे रॉन्ग आईडी क्यों दी ना। तो मैंने, खैर फिर हमारी बात होती रही है, पहले मैंने इनको अनफ्रेंड कर दिया। ये कैसे पता चला कि ये रॉन्ग आईडी है या ओरिजिनल आईडी है? वो तो पता नहीं आपने कैसे फाइन किया था आपने मुझे। यार बाय लक इतने सारे नेम आ रहे थे, मैंने सबको एक ही मैसेज कर दिया कॉपी करके। ओ माय गॉड, इतने फ्लर्टी थे, चेक करें। अच्छा, तो उसके बाद फिर जो है ना इन्होंने, मैंने इनको अनफॉलो, मतलब मैंने इनको अनफ्रेंड कर दिया। इन्होंने फिर मुझे जो है ना फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड की और इन्होंने बोला प्लीज मतलब आप एक दफा ट्रस्ट तो करके देखें और ये वो। तो खैर उसके बाद फिर मैंने इनको ऐड किया, तो बस उसके बाद हमारी बात तो ना स्टार्ट हो गई। एंड ही टोल्ड मी दैट ही लव्स मी, यू नो लाइक लव एट फर्स्ट साइट, एंड ही वाज लाइक के ही वांट्स टू मैरी मी, एंड ही वाज लाइक कि मैं आपके बहुत लॉयल हूँ, मैं मतलब ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ। तो उसके बाद फिर हाँ जी, उसके बाद फिर जो है ना इन्होंने अपने पेरेंट्स से बात की और वो हमारे घर आए। तो उसके बाद जो है ना हमारी शादी हो गई। स्टोरी नंबर वन, अभी स्टोरी नंबर टू बाकी है जनाब। तो स्टोरी नंबर टू कुछ इस तरह से है कि जो जैन है ना वो मेरी बेस्ट फ्रेंड के भाई हैं। बिल्कुल। और उसके बाद ना मतलब क्योंकि शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, तो हम लोग ना साथ में इकट्ठे पढ़ना, साथ में जाना खेलना, और तो साथ में स्कूल की जो बुक्स थी, इवन के वो जो स्टेशनरी शॉप है वहाँ से लेकर आना। हाँ बिल्कुल, तो वहाँ से लेकर आना। तो जैन जो है ना, मैं उन्हें कहती थी यार तुम्हारे भाई बहुत स्ट्रिक्ट लगते हैं, मतलब ना ये ऐसे करके घूर के हमें देखा करते थे, मतलब मुझे, मैं आपको देखता हूँ, वही ना मुझे देखा करते थे। तो मुझे तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि यार मेरी बेस्ट फ्रेंड का भाई जो है वो लाइने मार रहा है, बिल्कुल आइडिया था। मैं तो इन्हें भाई कहती थी, जैन भाई, लिटरली वो पहले सारे भाई बोलते। हाँ, तो बस मैं भी भाई बोला करती थी।
तो मुझे नहीं पता था कि जैन साहब के दिल में क्या चल रहा है। उसके बाद जी कुछ सालों के बाद ये सिलसिला चलता रहा कि जैन ऐसे देखते रहे, और मेरी फिर बेस्ट फ्रेंड को इन्होंने बताया। उसके बाद हमारे जब एग्ज़ाम्स हुआ करते थे तो मैं और जो मेरी फ्रेंड थे हम दोनों साथ जो है ना एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करते थे, और जैन अपनी सिस्टर को जो है ना वो पिक एंड ड्रॉप करने के लिए। यार वो तो मैं इसलिए आता था कि आपको मैं देख सकूं वहां पर। और जो आप वो फ्रॉक्स पहनती थी यार तो ना ये उनको पिक एंड ड्रॉप करने के लिए आया करते थे कि मुझे जिस तरह इन्होंने कहा मुझे देख सकें। उसके बाद जी स्लो स्लो जैन ने अपनी सिस्टर को बताया, और जैन ने मुझे कहा कि मैं आपको बहुत लाइक करता हूँ, और जैन की सिस्टर ने मुझे कहा और उसने बोला कि मेरे भाई बहुत अच्छे हैं, यू नो हिम वेरी वेल, मतलब हमारी चाइल्डहुड से फ्रेंडशिप है, तो अब ये फ्रेंडशिप जो है ना ये दोस्ती जो है वो इसको एक यू नो मेरी भाभी बन जाओ, उसका यूनिक सा नाम नेम दे देते हैं। सो मतलब इस तरह से फिर जो है ना हमारी शादी हो गई। अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। अब मैं आपको बताती हूँ स्टोरी नंबर थ्री। स्टोरी नंबर थ्री कुछ इस तरह से है कि जैन जो है वो हमारे रिलेटिव है, और हमारे बिल्कुल और हमारा जो है वो चाइल्डहुड बिल्कुल साथ गुजरा है, मतलब यू नो हम लोग साथ जो है वो इकट्ठे साथ ही स्कूल जाया करते थे, एक साथ ही हम लोग ट्यूशन पढ़ा करते थे। और जी जैन साहब ने आई वॉज यंग एट दैट टाइम वेरी यंग, और जैन साहब ने मेरी बुक के ऊपर लिखा जी आई आगे हार्ट उसके बाद यू। यार आप कितना एंग्री हुई थी उस टाइम में। तो जाहिर है क्या मतलब मैं इनको अच्छा इस स्टोरी में मैं इनको भाई समझती थी लिटरली, क्योंकि हम उससे बड़े थे एंड आई वाज लाइक कि ही इज माय ब्रदर। और उसके बाद मैं मुझे बड़ा गुस्सा आया क्योंकि मुझे पता था कि जैन ने लिखा है, इन्होंने मुझे बताया नहीं कि इन्होंने लिखा है। हमारे जहाँ पर हम ट्यूशन पढ़ते थे वहाँ पर और भी लड़के पढ़ा करते थे, और इन्होंने लिखा आई हार्ट यू। Because I was very close to you, I was your relative. Right? Yeah, 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 I know. But मुझे यार मुझे लगा कि मेरी बुक तो बहुत सारे लोग लेते रहते हैं, मुझे इन पर शक तो हुआ, बट आई वॉज वेरी एंग्री। मैंने उसको अच्छे से जो है ना वो कट किया, और उसके बाद फिर जो है ना जैन ने मुझे कहा, इन्होंने एक छोटा सा लेटर दिया ऐसे और उसके ऊपर लिखा हुआ था कि आई लाइक यू, और पता नहीं कोई सॉन्ग लिखा हुआ था इन्होंने उसके बाद खैर मुझे एंड पे पता चल गया था कि जैन ने वो लिखा है। इनोसेंट सी बातें करती थी आई नो। तो उसके बाद जो है ना फिर हाँ, और जैन साइकिल चलाया करते थे और बहुत स्पीड में साइकिल चलाते थे, तो मैं इनको कहती थी आप बहुत स्पीड में साइकिल चलाते हैं, तो मैंने भी साइकिल सीखनी, और जैन मुझे कहते थे आपका काम नहीं है, आपका काम तो काम ही नहीं है साइकिल चलाना। उसके मैं अपनी नानों के घर गई थी और मैं भी साइकिल सीख कर आई थी, और बहुत पहले मैंने जैन को बताया कि मुझे भी साइकिल आ गया। तो खैर हम लोगों की मतलब काफ़ी यू नो लाइक मैं कोई कभी सीरियस नहीं लिया जैन की बात को उसके कुछ सालों के। बात है कि हम दोनों की अंडरस्टैंडिंग उस टाइम में भी हाँ बहुत ज़्यादा अच्छी थी हमारी बचपन में ही, और मुझे तो बड़ी खुशी थी, मैंने कहा मेरा भाई मतलब कितना अच्छा है जैन भाई, और ये वो ना मेरे अच्छा मतलब उस टाइम तो अब तो नहीं यार ऑफ कोर्स। तो उसके बाद जो है ना फिर खैर आहिस्ता आहिस्ता जैन ने मुझे बोला कि मतलब मैं आई रियली लाइक यू, तो पहले तो यही कि मैं रिफ्यूज़ करती रही, बट देन आई वाज लाइक यार इतने सालों से मुझे कह रहे हैं और चाइल्डहुड से मैं इनको जानती हूँ तो अब मुझे मानना चाहिए, सो आई एक्सेप्टेड। तो उसके बाद जो है वो खैर जब मैंने एक्सेप्ट कर लिया तो इन्होंने प्रपोजल भेजा, इन्होंने अपने पेरेंट्स से बात की, और वो फिर हमारे घर आए, और उसके बाद हमारी जो है ना मतलब निकाह हुआ, शादी हो गई हमारी, और इस तरह से नाउ वी आर लिविंग लाइक अ हैप्पी लाइफ राइट। तो अब आपने जो है वो बताना है, ये तीन स्टोरीज हैं, आपको लग रहा होगा तीनों ही रियल है राइट, लेकिन आई स्वेयर टू गॉड इसमें से एक स्टोरी बिल्कुल रियल है, वो फर्स्ट भी हो सकती है, वो सेकंड भी हो सकती है, और वो थर्ड भी हो सकती है। तो अब ये आप लोगों ने गेस करना है कि कौन सी स्टोरी जो है वो बिल्कुल रियल है, और ये मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊँगी, उसमें मैं आपको या तो आई होप कि आपको हमारे ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा और आपको स्टोरीज भी अच्छी लगी होंगी। तो यार काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें यार, 200k तो एटलीस्ट 200k तो हो जाए, है ना, होने चाहिए ना। एग्जैक्टली मेरी बर्थडे आ रही है, मेरी बर्थडे से पहले हो जाए तो क्या ही बात है, नहीं तो जैन की बर्थडे तक हो जाए कोई बात नहीं। नहीं आपकी बर्थडे तक हो जाएंगे इंशाल्लाह। ओके तो या दैट वाज इट, मैं आपको मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बहुत सारा प्यार, गुड लक एंड ऑफ कोर्स स्टे पॉजिटिव, बाय।